रमान साहब इंतहाई बदनीति की बेस के ऊपर ये स्टेटमेंट दी है वैसे, जिसका कोई रैशनल कोई लॉजिक मौजूद नहीं है। आप ये देखें, मैं थोड़ा स्कीम ऑफ इवेंट्स आपको बताता हूँ ये प्लान कैसे हुआ था। तीन दिन पहले अचानक फैसला हुआ कि जी एक ज्वाइंट सेशन होना, तीन दिन पहले ज्वाइंट सेशन का फैसला हुआ था। इस दौरान इलेक्शन कमीशन अपनी पूरी ड्रामेबाजियां जो है ना, मीटिंग आगे दौड़ पीछे दौड़ वो सारा कर रहा था। ज्वाइंट सेशन होता है, ज्वाइंट सेशन में एक नेशनल लेवल का चोर आके स्टेटमेंट देना शुरू कर दिया कि जी पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते। कोई और लीडर मौजूद नहीं था और राणा सनाउल्लाह को खड़ा कर दिया कि पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकते। और तुर्की का पुर्तगी वो चीफ जस्टिस को जवाब भी दे रहा था कि जनाब आप मुदाखलत ना करें, आप हुक्म करें। उसी शाम को 10:30 पर, यानी कि पूरा दिन था इलेक्शन कमीशन के पास अनाउंस करने के लिए, दिन में कोई स्टेटमेंट नहीं दी, अचानक रात को 10 बजे स्टेटमेंट जारी कर दिया कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गया। उस इलेक्शन पोस्टपोन होने के कोई 8 या 10 मिनट बाद अचानक पूरे पाकिस्तान में चांद नजर आ गया। मौलवी साहब घर सो चुके थे, मस्जिदें बंद हो चुकी थी। नॉर्मली पाकिस्तान में कभी 7 बजे के बाद चांद नजर आया, 10:30 बजे चांद नजर आ गया। और मजे की बात है कि अगले दिन 23 मार्च था जिस दिन अदालतें बंद थी। एक स्कीम ऑफ इवेंट, एक होता है ना खुदाई फैसले, एक होते हैं खलाई फैसले। अच्छा। एक स्कीम ऑफ इवेंट से रात को उन्होंने अनाउंस कर दिया जी चांद भी आ गया, आज इलेक्शन अनाउंस। अच्छा, फिर बदनीति के लेवल चेक करें, इलेक्शन कमीशन ये कह देता ना कि इलेक्शन पोस्टपोन हो गया, चले सेंस बनती थी जनाब ये हो गया वो हो गया, साथ वो डेट भी 8 अक्टूबर की लिख देता है। भाई आपको अगर इतनी तकलीफ थी कि इलेक्शन नहीं हो सकते, आप सुप्रीम कोर्ट चले जाते, आप चीफ जस्टिस के पास जाते कि हजूर आपने हुक्म दिया, ये ऑर्डर दिया इलेक्शन कराने का, हमारे पास फलानी चीज भी नहीं है, हमारी पंजाब पुलिस मसरूफ है इमरान खान के घर के ऊपर चढ़ाई करने के लिए, हमारे पास पैसे नहीं है क्योंकि इकोनॉमिक मेल्टडाउन हो गया, मईशत हमने वैसे ही खत्म कर दी है पीडीएम की गवर्नमेंट ने, और सिक्योरिटी फोर्सेज अवेलेबल वैसे नहीं हो पा रही, तो पाकिस्तान में इलेक्शन नहीं हो सकता, लेकिन आप हुक्म करें। वो खुद बैठ के फैसला करता है जस्ट बिकॉज, क्योंकि इस वक्त जैसे अभी ये मिनिस्टर साहब फरमा रहे थे कि जी वो एक आईनी इदारा है। भाई जो आईनी इदारा है क्या वो खुद मुख्तियार है? क्या वो पाकिस्तान से बाहर है? क्या वो किसी को जवाब दे नहीं है? यानी कि सुप्रीम कोर्ट कहता है 30 अप्रैल को इलेक्शन का, आईन कहता है 30 अप्रैल को इलेक्शन, एक आईनी इदारे का डायरेक्टिव है, ऑर्डर है, नो इलेक्शंस, तो नो इलेक्शंस एट ऑल। मैं किसी को नहीं मानता जस्ट बिकॉज कि मुझे ताकत मिल गई है, मुझे जो एनर्जी बूस्टर चाहिए थे वो किसी ने लगा दी है। अच्छा। मैं किसी को नहीं मानता, मैं इलेक्शन नहीं कराऊंगा। आप इसकी मंतक समझा दें, सिर्फ आईजी पंजाब वाली जो मंतक आप समझ लें कि इमरान खान के जमान पार पे रमान साहब उस दिन 10,000 पुलिस वाले आए थे, पूरे इलेक्शन को संभालने के लिए 50,000 पुलिस वाला चाहिए, 2 दिन वो 10,000 पुलिस वाला जमान पार बैठा रहा, उसको उस वक्त नहीं मसरूफी नजर आई, इलेक्शन कराने के लिए उसके पास पुलिस फोर्स मौजूद नहीं है। ये जितने इनके एमएनएस हैं पीडीएम के 140, 8 महीनों में सिर्फ एक चीज, 8 महीनों में 80 अरब रुपए के डेवलपमेंट फंड ले चुके हैं, 80 अरब के डेवलपमेंट फंड, 40 अरब इलेक्शन के लिए नहीं दिया जा सकते जस्ट बिकॉज की उसमें बिलीव नहीं करते अवाम के पास जाए। ये बेवकूफ किसी और को बनाए, अवाम बहुत सी हट हो चुकी है।